सो हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग वर्मा करता हूँ आपका स्वागत आपके अपने चैनल माई बी गे फ्रेंड में। आज है 5th of January और अब हम ये कर रहे हैं वीडियो शूट। आज सुबह से ही दिल्ली में हो रहे हैं बादल और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मौसम में ठंड बढ़ गई है, सर्दी बढ़ चुकी है। और आज इस सर्दी में हम लोग गए थे बाहर मार्केट से कुछ सामान लेने और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ किए थे शूट। और हुआ ये कि मैंने जल्दीबाजी में अपने फ़ोन में कुछ स्पेस बनाने के चलते कर दिया उन वीडियोस को डिलीट। तो अभी मैंने बहुत कोशिश करी कि डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के ज़रिए किसी तरह से उन वीडियोस को कर लूँ रिकवर, बट वो नहीं हो पाया। सुबह मैंने बारिश की कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करी थी और आज हम गए थे मार्केट कुछ सामान खरीदने, जो कि दो तीन चीज़ें हम लेकर गए हैं जो व्लॉगिंग में हमें करेगी सहायता। एक तो यही है सेल्फी स्टिक जिससे आप मुझे देख रहे हैं आज कुछ इस तरह से, और इसके अलावा मैं लाया हूँ एक मेमोरी कार्ड जिससे कि अगर फ़ोन में कोई मेमोरी होती है फुल तो मैं वो डेटा इजीली ट्रांसफ़र कर सकूँ। सो जल्दी ही वो चीज़ें भी जो है वो प्रोसेस में मेरी हेल्प करती हैं डेटा ट्रांसफ़र की, जो जो मैं लाया हूँ मेमोरी कार्ड। और एक मैं लाया था OTG केबल जिसके थ्रू मैं यूज़ करूँ अपने मेमोरी कार्ड को। सो ये सारी चीज़ें लेकर आए, मार्केट का एक अच्छा सा टूर किया था हमने आज, बट अनफॉर्चुनेटली वो सब हो गया है मुझसे डिलीट। अगर वो मुझे वीडियोस मिल जाते हैं किसी तरह से, मैं उसे सक्सेसफुली रिकवर कर लेता हूँ। वो वीडियोस भी मैं डालने की कोशिश करूँगा आज रात को। मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिकवर कर सकूँ जब मेरा ऑफिस होता है ख़त्म। और दूसरी चीज़ जो बैंक के साथ चल रहा था प्रॉब्लम, वो फिर से वापस आ गया क्योंकि बैंक कह रहा है कि वो मेरा एक्चुअली मैं ओल्ड एड्रेस पे जो है वो डिलीवरी नहीं करेगा अनटिल मैं वहाँ अवेलेबल हूँ। और वहाँ पर गया था मेरा जो है एक कुरियर जो कि मेरी डिलीवरी लेकर के गया था, तो वहाँ किसी ने बोल दिया कि मैं वहाँ नहीं रहता हूँ। अब मुझे जाना होगा बैंक भी, और मैं कल या परसों बैंक जाता हूँ और वहाँ जा करके देखता हूँ कि क्या निकल करके आता है। तो बहुत डिस्कशन हुआ आज मेरा कस्टमर सर्विस से भी। वो चीज़ नहीं सॉल्व हो रही है, तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। बट आई होप कि जल्दी ही ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाए, जाएंगे बैंक, करेंगे उनसे बात भी। और अभी मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ बाहर के जो है क्लिप्स दिखाने की कि किस तरह का मौसम है अभी बाहर, क्योंकि अभी होपफुली अंधेरा हो रहा है बाहर। होपफुली क्या मतलब, हो ही रहा है अंधेरा। मैं लाइट ऑन करता हूँ बाहर की और बाहर का आपको दिखाता हूँ कि क्या है अभी सिनेरियो। बादल कितने हैं, जो लोग दिल्ली में हैं वो तो समझ ही रहे होंगे कितने बादल हो रहे हैं। और मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ, पहले देख लेते हैं लाइट ऑन हुई है नहीं। मैं लाइट ऑन हो गई है, हम लोग चलते हैं बाहर और देखते हैं बाहर क्या है अभी सिचुएशन। आज का तो जो भी वीडियोस थे वो सारे हो गए हैं डिलीट, बट अभी देखते हैं कि अभी आपको कुछ देख पाता है या नहीं। यहाँ आकर खड़ा हूँ अपनी बालकनी में, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है, मुँह से निकल रहा है धुआं इस टाइम। आई डोंट नो ये कैमरा कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और बादल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो जिस तरह के बादल दिख रहे हैं अभी आकाश में, उस तरह से लगता है कि ये बारिश कल भी रहेगी और हमें कल भी बारिश के मज़े मिलेंगे और यहाँ सर्दी लेगी करवट और सर्दी बढ़ेगी। देखते हैं कैसे क्या होता है कल का मौसम और किस तरह से ये मौसम करवट लेता है अब। और अब हम बात करते हैं कि आज आज 5 जनवरी को नेहा का बर्थडे है, यानी कि मेरी बहन मौसी की बेटी नेहा, उसका है बर्थडे आज। नेहा, आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, और आशा करते हैं कि लाइफ में तुझे सब चीज़ें मिले और तू हमेशा खुश रहे और जो जो लाइफ से तू चाहती है वो चीज़ तुझे मिले, और हमेशा तेरे घर में तेरे कारण और बाकी लोगों के कारण खुशियाँ बनी रहे। इस उम्मीद के साथ हम तेरे को फिर एक बार कहते हैं हैप्पी बर्थडे और हमेशा खुश रहो। और आज हम बात करते हैं कुछ ऐसा जो कि मतलब मुझे बोला भी गया था कि मैं वो शेयर करूं, तो मैं आज आपको एक पोएट्री सुनाता हूं जो मैंने लिखी थी कुछ टाइम पहले। तो वो पोएट्री हम जो है उस पोएट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, उसे सुन लेते हैं। अभी चलते हैं कि दूसरे रूम में, मैं कर देता हूँ ये लाइट ऑफ। यहाँ से निकलते हैं, हम जाते हैं अपने दूसरे रूम में। और ये दीवार आपको याद आ रही है, ये दीवार मैंने ही करी थी पेंट और डिज़ाइन। यहाँ हम आ गए हैं हमारे दूसरे रूम में, और ये इनफैक्ट रूम जो है काफ़ी टाइम से कोई यहाँ यूज़ नहीं कर रहा था, बट ये रूम अब यूज़ करेगा अतुल। ये नया बेड है जो हम लाए थे, तो आप देखिए ये नया बेड हमारा, उस टाइम मैं आपको नहीं दिखा पाया था। तो एक क्विल्टेड बेड है अगर आप देखें।
काफ़ी अच्छा लगा था हमें। मैंने इसको पीठ लगा करके नहीं देखा, चलो इस पर पीठ लगा लेते हैं। अच्छा लग रहा है। जो वैल्यू फॉर मनी टाइप्स का है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा बजट नहीं था, तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है। जो जो हमारी जो पैसा हमने दिया उसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू हमें मिली है। वैल्यू फॉर मनी मैं इसको कहूँगा। और बाकी अब करते हैं जो मेरी पोइट्री के बारे में बात। तो मैं ये जो है सेल्फी स्टिक को रख देता हूँ सामने, जिससे कि मैं आपको वो पोइट्री सुना सकूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपसे वो पोइट्री शेयर करता हूँ। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ वो पोइट्री जो मैंने लिखी थी, आई थिंक 2010 या 2011 में। और तो जो मेरी फीलिंग्स थी, ये उन फीलिंग्स को जो है व्यक्त करना चाह रहा था मैं इस पोइट्री के जो है मेथड से। ये पोइट्री मैं आपको सुनाता हूँ और आप मुझे बताइएगा कि कैसे लगी आपको ये पोइट्री। तो इसका जो टाइटल है वो है आई काश कभी वो दिन आए। इसको शुरुआत मैं करता हूँ यहाँ पर, और आप बताइएगा ये आपको कैसी लगी। ये कुछ इस तरह से होती है कि आकाश कभी वो दिन आए जो होए शुरू तेरी आँखों से, आकाश कभी वो दिन आए जो होए शुरू तेरी आँखों से, कि झांक के उस गहराई में वहीं कहीं खो जाए हम, देकर सांसें सब सीने की तेरी सांसों को महकाए हम, फिर लिए महक उन सांसों की खुद से ही शर्माए हम, लिए लाली उन गालों पर फिर दुनिया से छुपाए हम। ऐ काश कभी वो दिन आए जो होए शुरू तेरी आंखों से, ऐ काश कभी वो दिन आए जिसमें तू मेरे साथ रहे, कि पाकर एक वो साथ तेरा इस दुनिया से इतराए हम। ऐ काश कभी वो दिन आए जिसमें तू मेरे साथ रहे, कि पाकर एक वो साथ तेरा इस दुनिया से इतराए हम। चुप्पी की वो भाषा हो जिसमें ही सब कह जाएं हम, चुप्पी की एक वो भाषा हो जिसमें ही सब कह जाएं हम, लिए चुप्पी लबों पे अपने तुझे देख के मन मुस्काए हम, मुस्कान लिए इन होठों पर हर हसरत को सहलाए हम। ऐ काश कभी वो दिन आए जिसमें तू मेरे साथ रहे, ऐ काश कभी वो दिन आए जिसमें बस तेरी बातें हों, कि लेके वो एक सीख नहीं फिरते सबको समझाएं हम। ऐ काश कभी वो दिन आए जिसमें बस तेरी बातें हों, लेकर एक वो सीख नहीं फिर सबको फिर समझाएं हम, फिर लिए समझ वो तेरी ही दुख जीवन के बिसराए हम, भूल कहानी दर्द भरी बस हंसते ही रह जाएं हम, भूल कहानी दर्द भरी फिर हंसते ही रह जाएं हम, लिए फिर वो हंसी खुशी आंखें ना भिगाएं हम। ऐ काश कभी वो दिन आए जिसमें बस तेरी बातें हो, ऐ काश कभी वो दिन आए जिसमें तू मेरा अपना हो, ऐ काश कभी वो दिन आए जिसमें तू मेरा अपना हो, कि पाके वो अपनापन मेरे अपनों को ललचाए हम। ऐ काश कभी वो दिन आए जिसमें तू मेरा अपना हो, कि पाके वो एक अपनापन मेरे अपनों को ललचाए हम, ललक लिए वो अपनी ही तेरी झोली में सो जाए हम, ललक लिए वो अपनी ही तेरी झोली में सो जाए हम, नींद लिए इन आँखों में सपने सबको दिखलाए हम, नींद लिए इन आँखों में फिर सबको सपने दिखलाए हम, फिर सपनों की उस दुनिया में घर सबका एक बनाए हम, कि सपनों की उस दुनिया में घर सबका एक बनाए हम। ऐ काश कभी वो दिन आए जिसमें तू मेरा अपना हो। तो इसके आगे हम कहते हैं, ऐ काश कभी वो दिन आए जो होए फना तेरी बाहों में, ऐ काश कभी वो दिन आए जो होए फना तेरी बाहों में, कि देके वो कुर्बानी दिन की काली चादर फैलाए हम, कि देकर वो कुर्बानी दिन की काली चादर फैलाए हम, फिर ओढ़ वही चादर काली शब अपनी वहीं बिताए हम, फिर ओढ़ के वो चादर काली शब अपनी वहीं बिताए हम, शब की कोख से मिलकर फिर सुबह की लाली लाए हम, उस सुबह से जो चढ़िया दिन उस सुबह से जो चढ़िया दिन फिर मिलकर संग बिताए हम, उस सुबह से जो चढ़िया दिन फिर मिलकर संग बिताए हम, ऐ काश कभी वो दिन आए जो होए फना तेरी बाहों में। ये एक छोटी सी जो पोएम थी मैंने लिखी थी, जहाँ मैंने अपनी फीलिंग्स शेयर करने की कोशिश की थी। आपको ये जो पोएम कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी और आप कुछ ऐसा मिलता जुलता और सुनना चाहें, तो वो भी मुझसे कीजिएगा शेयर। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए वो चीज़ ला सकूँ और
बस यही मुझे अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये शेयर करके, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपको नमस्ते कहना चाहता हूँ, और दैट्स इट आई गेस आज के लिए इतना ही। और नेहा तुझे हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, और बहुत खुश रहिए, और हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आज के वीडियो में कैसे छोड़ दे अपने फन फैक्ट को, तो फन फैक्ट के बारे में कर लेते हैं बात। और आज का फन फैक्ट ये है कि बारबी डॉल, जो कि हम सभी ने शायद अपने बचपन में खेला हो और अब हमारे बच्चे लोग भी उस बारबी डॉल के दीवाने हैं, तो उसका एक जो है पूरा नाम है, तो वो मैं नाम आपके लोगों के साथ कर लेता हूँ शेयर। उसका नाम है बारबरा मिलिसेंट रॉबर्ट्स। और ये जो हमारी बारबी डॉल यानी कि बारबरा का जो एक डेट ऑफ बर्थ भी है, और वो है 9 मार्च 1959। हाँ जी। ये आती है विलॉस करके एक जगह है विस्कॉन्सिन में, जो कि पाया जाता है USA में। और इसका जो बर्थडे है 9 मार्च 1959, उसे इसका बर्थडे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस दिन वो पहली बार डिस्प्ले हुई थी एक जो है एग्जिबिशन में, आप कह सकते हैं। उस डेट को इसके बर्थडे की तरह कंसिडर किया जाता है। आप में से मुझे बताइएगा कितने लोगों को ये फन फैक्ट पता था, और अगर आपको पता नहीं था तो आपको कैसा लगा ये फन फैक्ट, वो भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जो है शेयर कर सकते हैं आप। आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और आप मस्त रहें, जबरदस्त रहें और स्वस्थ रहें। टेक केयर।